सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 7 जीके कर रहे थे। जीके की बुक का नेम क्या था आपका? जीके प्लैनेट। और इसका टर्म 2 का सिलेबस कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था। टर्म 1 का ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। टर्म 2 में हमने चैप्टर नंबर 32 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 33 जो कि है पेज नंबर 47 पर। चैप्टर नंबर 33 का नेम क्या है बच्चों? एंडेमिक टू इंडिया। क्लियर? इसका मतलब क्या होता है हम पढ़ते हैं। Species of plants and animals which are found only in particular region and nowhere else in the world are called endemic species. कह रहे हैं कि कुछ species होती हैं plants की और animals की, जो कुछ अलग अलग तरीके के plants और animals होते हैं ना, तो वो species plants की और animals की जो सिर्फ पूरी दुनिया में एक part पे ही देखने को हमें मिलती है। क्लियर? और दूसरी दुनिया में कहीं मीन्स कहीं पर भी और दूसरे पार्ट में अपने वर्ल्ड में देखने को नहीं मिलती है, वो स्पेसीज कहलाती है हमारी एंडेमिक स्पेसीज। क्लियर? दूसरे पे एक पर्टिकुलर रीजन में हमें देखने को मिलती है, या तो वो प्लांट हो या तो वो एनिमल्स हो। क्लियर? लेट अस नो अबाउट सम एनिमल स्पेसीज एंडेमिक टू इंडिया। मैच द एंडेमिक स्पेसीज विद करेक्ट डिस्क्रिप्शन। तो अभी मैच भी करना है। सबसे पहला है एशियाटिक लायन। क्या है? एशियाटिक लायन। तो फर्स्ट का जो डिस्क्रिप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ई वाला। फर्स्ट का क्या हो जाएगा? ई वाला। दिस हाईली फ्यूरियस एनिमल इज फाउंड इन द गिर नेशनल पार्क एंड द सराउंडिंग एरियाज ऑफ गुजरात। ओके, तो ये जो एनिमल है वो हमें कहाँ पर, ये जो एशियाटिक लायन है ये हमें कहाँ पर? गिर नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। और कहाँ पर देखने को मिलता है? सराउंडिंग एरिया ऑफ गुजरात में देखने को मिलता है। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों हमारा ई। ठीक है, सेकेंड पे आ जाते हैं। सेकेंड में लिखा है वन ऑर्ड राइनोसोरस। ओके, वन ऑर्ड राइनोसोरस। तो सेकेंड का जो सबसे सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ए वाला। क्लियर? दिस बिग एंड रोबस्ट एनिमल इज नेटिव टू असम। असम में देखने को मिलता है ये हमारे लिए। इट इज 2 मीटर हाई एंड 3.5 मीटर लॉन्ग। तो ये बहुत बड़ा जानवर है, एक है ना, तो राइनोसोरस होती है वैसे भी। तो सेकेंड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों ई, ए वाला पार्ट। क्लियर? थर्ड पे आ जाते हैं कश्मीरी स्टैग। क्या है? कश्मीरी स्टैग। तो थर्ड का जो सही डिस्क्रिप्शन है वो है सी वाला। तो ये फाउंड मिलता है हमारे लिए इन डेंस रिवर राइन फॉरेस्ट इन द हाई वैली ऑफ माउंटेन्स इन द कश्मीर वैली। अब कश्मीर स्टैग बोल रहे हैं तो कश्मीर में ही बाय मिलेगा ना। इट इज ऑल्सो नोन एज अंगुल। इसको अंगुल हिरन के नाम से भी हम जानते हैं। तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो है हमारा कौन सा? सी वाला डिस्क्रिप्शन इसका सही है। फोर्थ पे आ जाते हैं मालाबार कैबिट। ओके, सो फोर्थ का जो सही डिस्क्रिप्शन है वो हो जाएगा हमारा डी वाला। फोर्थ का नहीं, डी वाला नहीं होगा फोर्थ का। फोर्थ का होगा हमारा एच वाला। कौन सा? फोर्थ का एच। इट इज एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया, है ना। एंडेमिक है, वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया में देखने को मिलता है। एंड लिस्टेड एज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड बाय द IUCN। और ये मीन्स अब बहुत ही मुश्किल है कि ये मिले हमारे लिए देखने को। ठीक है, ये बहुत ही रेयरली ये बचे हुए हैं। क्लियर? इट इज डस्की ग्रे विद डार्क मास्क ऑन इट्स ब्लैक एंड साइड्स। और ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसका। क्लियर? तो ये हो जाएगा फोर्थ का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या बच्चों? एच हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद आते हैं हम फिफ्थ पे। फिफ्थ में लिखा है लायन टेल्ड मकाउस। ओके, तो इसका जो फिफ्थ का जो सही डिस्क्रिप्शन है वो है हमारा एफ वाला। क्या है? एफ वाला। ये बिलोंग करता है फैमिली पैरीमेट से। इट इज एंडेमिक टू द एनिमेलिया हिल्स। ओके, तमिलनाडु में देखने को मिलता है। वन कैन इजीली रिकॉग्नाइज बाय इट्स शैगी सिल्वर मेन। और इसकी वजह से इजीली रिकॉग्नाइज भी हो सकता है। देखो अलग ही दिख रहा है ये हमारे लिए। तो फिफ्थ का जो आंसर हो जाएगा वो एफ, इसका सही डिस्क्रिप्शन है। सिक्स्थ पे आ जाते हैं संघाई, है ना। संघाई है सिक्स्थ का। तो सिक्स्थ का जो सही डिस्क्रिप्शन है बच्चों वो हो जाएगा हमारा बी वाला। ठीक है, दिस बोरोड एंटलर्ड डियर इज फाउंड ओनली इन मणिपुर। सिर्फ मणिपुर में, पूरी दुनिया में सिर्फ मणिपुर में ही देखने को मिलता है। इट इज एंडेंजर्ड स्पेसीज। तो वो तो हमारा चैप्टर का ही नेम है ना, तो ये बता रहे हैं कि ये एंडेंजर्ड स्पेसीज है। तो सिक्स्थ का जो आंसर हो जाएगा वो बी वाला पार्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बी लिख देते हैं। सेवेंथ पे आ जाओ। सेवेंथ में देखो क्या लिखा है। नाम डापा फ्लाइंग स्क्वायरल। ओके, नाम डापा फ्लाइंग स्क्वायरल। तो सेवेंथ का जो आंसर है बच्चों वो सही डिस्क्रिप्शन है वो जी है। इट इज अ स्मॉल नॉक्टर्नल एनिमल। नॉक्टर्नल एनिमल वो होते हैं जो कि रात में देखते, रात में अपना रात में एक्टिव रहते हैं और दिन में क्या करते हैं? सोते हैं। ठीक है, तो ये दिन में सोती है ये स्क्वायरल,
और रात में अपना काम करती है। तो नॉक्टर्नल एनिमल एंडेमिक टू अरुणाचल प्रदेश, द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फर्स्ट स्पॉटेड इट इन 1981, और 1981 में तो ये स्पॉट हुई थी है ना, जूलॉजिकल साइट्स ने, जो जूलॉजिकल ने इसको स्पॉट किया था। तो सेवेंथ का जो आंसर हो जाएगा वो जी हो जाएगा, ये जी इसका सही हुआ है। नीलगिरी थार, एट्थ जो है वो नीलगिरी थार है। तो अब जो हमारा बचा हुआ है डी पार्ट ये हो जाएगा इसका, इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेसीज, इट इज फाउंड इन नीलगिरी हिल्स, ठीक है, इसलिए नीलगिरी हिल्स में पाया जाता है, इसलिए नीलगिरी थार इसको बोल दिया है, ठीक है। नीलगिरी क्या नाम है, थार हिल्स, एज वेल एज इन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट ऑफ तमिलनाडु और केरला, यहाँ पर भी ये देखने को मिलता है। तो ये जो हो जाएगा एट्थ का वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर डी, एट्थ का क्या हो जाएगा डी। तो इस तरह से हो गया बच्चों हमारा ये चैप्टर नंबर 33 भी कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे हम चैप्टर नंबर 34 नेक्स्ट वीडियो में, सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। पसंद आई वीडियो, कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। किसी भी चैप्टर में, किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी हम सारे मैथ साइंस ईवीएस सब कुछ हिंदी इंग्लिश वीडियोस लेकर के आएंगे, सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी आपके लिए डिस्क्रिप्शन में, क्लियर। या फिर आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के भी देख सकते हैं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।